સારું ઘર છે ને એટલે ત્યાં મારી દીકરી જાય તો સારું એમ મા બાપ બિચારા નીચા નમી અને દીકરી માટે સારું ઘર શોધે. માતા પિતા કે ભીતર મેં એક ભાવ હૈ કે હમારી બેટી કે લિયે અચ્છા ઘર હો ઓર અચ્છે સંસ્કારવાન કુળ પરિવાર હો. બેટી બડી હો જાતી હૈ, મા બાપ ઉનકે લિયે અચ્છે ઘર કા ખોજ ભી કરતે હૈ, લેકિન જબ ઘર કી ખોજ હો જાતી હૈ, રિશ્તા તય ભી હો જાતા હૈ, અબ ચિંતા કી બાત હૈ. આજ તક તો જીતના ઇકઠ્ઠા કિયા થા મેરી બેટી કે લિયે મેં એ કરુંગા વો કરુંગા, એસે તો બાપ ભીતર સે ખુશ ભી હૈ, લેકિન જબ જબ વો ખરીદી કરને લગતા હૈ ઓર ખરીદી કરકે શોપિંગ કરકે જબ ઘર મેં પૈર રખતા હૈ ના, તબ હૃદય કે ભીતર મેં એક ઉડાન મેં એક કોને મેં એક દર્દ ભી ઉઠતા હૈ, વહ દર્દ હૈ, વહ દર્દ મહેસૂસ કરતા હૈ કે કલ મેરી બેટી ઘર છોડ કે ચલી જાયેગી, અબ મેરા ઘર મેરી બેટી કે બિના સુના હો જાયેગા. क्योंकि बेटियां संवेदनशील तत्व है, अगर घर में एक बेटी है ना तो वो संवेदनशील तत्व है, वो अपने माँ बाप को समझ सकती है, अपने भीतर से उनको महसूस कर सकती है, इसलिए जिस घर में भी बेटियां है ना उनका घर हरा भरा रहता है, है? उनका घर सदा के लिए हंसता खिलता रहता है, दबकता रहता है. जिन घर में बेटी है उन घर में हृदय दबकता रहता है, ઘર કા હૃદય ધબકતા રહેતા હૈ. ઇસલિયે આપણા ગુજરાતીમાં તો કહેવાય કે દીકરીઓ તો ચકલીઓ જેવી હોય હે, અને એટલે જ્યારે પેલી ગોળ ગોળ પૂજવા જાય ને ત્યારે ગાય, અમે ચકલીઓના માળા અમે કાલે ઉડી જઈશું ગોળ પૂજો હે, ઓર ઓ વ્રત કરકે જબ બેટી બડી હો જાતી હૈ ઓર જબ જાને કી તૈયારી હો જાતી હૈ, તબ મા બાપ અપને ભીતર કી બાત કિસી કો કહે નહીં શકતે હૈ. ક્યોંકિ બેટી કે બિના જો ઘર ખાલી હો જાતા ના હૈ જો હો જાતા હૈ ના વો તો મહેસૂસ સિર્ફ ઉનકે મા બાપ હી કર શકતે હૈ. ઓર જિન ઘર મેં સુશીલ ઓર સંસ્કારી બેટી હોતી હૈ ઓર વો બેટી અગર ઘર છોડ કર જાતી હૈ તો વહ માતા પિતા કો બહોત દર્દ મેં ઇતના ગહેરાઈ તક દર્દ રહેતા હૈ કે ક્યા બતાએ, જિનકે બેટી હૈ જિનકો ભી બેટી હૈ ઉન્હોને યે દર્દ મહેસૂસ કિયા હોગા. આપકો માલૂમ હૈ કે જબ ઉનકી પત્રિકા તૈયાર હોકર આતી હૈ ઓર લિખને કી શરૂઆત હોતી હૈ ના, તબ બેટી અપની પત્રિકા કો દેખતી હૈ, કંકોત્રી કો દેખતી હૈ, નિમંત્રણ પત્ર કો દેખતી હૈ और आंख से टप 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 आंसू गिर पड़ते हैं. वो बेटी क्यों रोती है? बेटी सोचती है कि हे मेरे पिताजी, आज तक आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन आज अंतिम समय है कि मेरे पीछे आपका नाम लिखा है, कल से अब मेरे नाम के पीछे आपका नाम नहीं रहेगा. देखिए बेटियों का त्याग कितना है, बेटियों का त्याग कितना है. वो अपना घर बदलती है, वो अपना निवास बदलती है, वो अपना गांव बदलती है, वो अपने सगे संबंधी बदलती है, वो अपने माता पिता बदलती है, सब कुछ बेटी अपना बदल देती है, पराए को अपने बनाने के लिए वो अपने को छोड़कर वो पराए घर में जा रहती है, जाकर रहती है. फिर भी इस संसार में ऐसा कहा गया है कि जब तक बेटी अपने मायके रहती है तब मायके वाले कहते हैं बेटी तो पराई होती है, बेटी तो पराई होती है, और जब बेटी की शादी हो जाती है, बेटी ससुराल में जाती है, तब बेटी ससुराल में जाती है तब ससुराल वाले भी कहते हैं कि ये तो पराई है, ये तो पराई है. तब एक बेटी कोने में बैठकर रोती है और भगवान से कहती है कि हे भगवान, अगर मायके में बेटी पराई है, ससुराल में बेटी पराई है, तो बेटी को क्यों बनाई है तूने, बेटी को क्यों बनाई. ये बहुत बड़ी एक बेटियों के लिए दर्द भरा सत्य है. कितने साल तक बेटी अपना सब कुछ नौछावर कर देती है ना, तब पराए लोग उनको अपनी मानते हैं, अपना सब कुछ नौछावर कर देती है तब पराए लोग उनको अपनी मानते हैं, जब उनके पास अपना कुछ नहीं रहता है. इसलिए सभी को
मेरा एक नम्र निवेदन है कि अगर आपके घर बेटी है तो बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से, बहुत भाव से उनको अपने घर में रखना। क्योंकि याद रखना कि जब तक अपने घर में उन बेटी के लिए अन्न का दाना रहेगा ना, तब तक ही रहेगी। जब उसके नाम का दाना पानी बंद हो जाएगा, उसी ही दिन बेटी अपने घर को छोड़कर चली जाती है। संसार के मुताबिक वैसे तो माता पिता ही अच्छे कुल परिवार की खोज करते हैं और बेटियों को विदा करते हैं, लेकिन आज समस्या इतनी बढ़ गई है कि माँ बाप विवश हो गए हैं। माँ बाप विवश हो गए हैं, फिर भी देखो माता पिता के भीतर में अपने बच्चों के प्रति कितनी संवेदना है, फिर भी कितना कुछ भी सहन करके भी माँ बाप जब बेटी जाती है ना, तो उनके भीतर से एक ही हृदय में भाव रहता है और वो भगवान से कहता है कि मेरी बेटियों को सुख देना, उनके जीवन में जितना भी दुख हो प्रभु वह दुख हमें दे देना, लेकिन हमारी बेटियों को सुखी रखना। यही हमारे माता पिता, जिन माता पिताओं की आज के युवा पीढ़ी कदर भी नहीं करता है, वह माता पिताओं का हृदय में यही भाव रहता है। और इसीलिए ही माँ बाप जब बेटी विदा होती है ना, तब भीतर में से एक मौन भाव प्रस्तुत होता है। माता पिता जब बेटी की डोली उठती है और पीछे आंसू बहाते बहाते हृदय से कहते हैं, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, मैं के की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले, मैं के की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार, बेटों के लिए अपने बच्चियों के लिए एक ही हृदय में भाव रखता है कि कैसी भी स्थिति हो, चाहे कितनी भी हमारी बच्चियों ने भूल की हो, फिर भी उनके हृदय से तो एक ही भाव रहता है कि प्रभु जहां रहे सुखी रहे। लेकिन आज समस्या मनु महाराज के घर में भी
अपनी बेटी देवहूति इतनी सुशील थी, इतनी शाणी थी, उसके लिए ऐसा सादगी भरा कौन पुत्र होगा को जो मेरी बेटी का हाथ ग्रहण करेगा। लेकिन जो अपने जीवन में सही रास्ते पर चलते हैं उनकी व्यवस्था स्वयं भगवान करते हैं। कर्दम ऋषि जो तप कर रहे थे, भगवान ने जाकर उनको कहा कि तू देवहूति का पानी ग्रहण कर। कर्दम ने कहा, प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब मुझे इस झंझट में क्यों डाल रहे हैं। सुनिए, कभी कभी सज्जन लोगों को भगवान स्वयं खुद गृहस्थ बनाने की सोचता है, तब संसार को कुछ ऐसे श्रेष्ठ दिव्य आत्माओं का अवतरण संसार में हो सके। इसलिए कर्दम ऋषि ने कितनी युवानी में तपस्या की थी, भगवान की आंख से आंसू गिर गए और वह आंसू जहां गिरा वह बिंदु सरोवर रचा गया और वह बिंदु सरोवर अपने गुजरात में है, सिद्धपुर। हमारा सौभाग्य है भगवान को आंसू आ गए, इतना तप किया था हमारे ऋषियों ने, हमारे युवान ऋषि वह कर्दम जिनकी तपस्या स्वयं भगवान आए और कहने लगे कि आप देवहूति का पानी ग्रहण करें। तब कर्दम ने कहा, अरे प्रभु यह कैसे हो सकता है, नहीं तुझे करना ही पड़ेगा। अच्छा प्रभु, मैं आपकी बात मानता हूं तो आपको मेरी बात भी माननी पड़ेगी। हमारे भारतवर्ष के ऋषि ऐसे थे कि जो भगवान को भी मजबूर कर सकते थे। परम पूज्य गुरुदेव इसलिए कह रहे हैं कि बेटा आप कौन हैं, आप वह ऋषि के संतान हैं। ऋषि क्या होता है, ऋषि भगवान को भी मजबूर कर सकता है, वह भारतवर्ष का ऋषि होता है। कर्दम ने कहा कि प्रभु आप अगर मुझे कहते हो तो मैं ये बात मानता हूं, लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या? आपको मेरे घर पुत्र के रूप में आना पड़ेगा। वह हमारे भारत का ऋषि है जो भगवान को अपने घर पुत्र के रूप में पुकारता है, आने के लिए वो मजबूर करता है। ऐसे हमारी भारत की संस्कृति है, इसलिए हमारी वह भारत की संस्कृति की रक्षा होनी ही चाहिए, किसी भी कीमत पर भी हमारी भारत की संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। यहां पर परम पूज्य गुरुदेव का जो स्वप्न था कि सारे संसार में, सारे विश्व में भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति का डंका बजेगा, कैसे बजेगा? आज हम ये हमारी छोटी जो मनीषा है उसको देखते हैं ना, तब हमें लगता है ऐसी ऐसी कई युवान पीढ़ियों को आज सारे विश्व में भगवान ने फैला दिया है। क्यों फैलाया है? भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए। जहां जहां भी ऐसे युवान हमारे रहेंगे वहां वो संस्कृति की रक्षा के लिए अगर काम करने लगेंगे तो अगले दिनों हमारी संस्कृति सारे विश्व में फैल जाएगी और भारत की संस्कृति, देव संस्कृति दिग्विजय होकर ऐसा डंका बजेगा, तब हमारा भारत सारे विश्व को दिशा देने वाला होगा। आएगा ये दिन, ऐसा मत सोचना कि बातें मत करो, ये तो महाकाल का संकल्प है। ऐसा ऐसी बात कौन बताता है? अगर कोई पागल बताता है या फिर महाकाल बताता है या फिर भगवान बताता है, मेरे गुरुदेव पागल तो है नहीं, तो कौन होगा? वही महाकाल, वही परम कृपाणु परमात्मा के जिसके इशारे सारे दुनिया चल रही है। उन्होंने कहा है युग बदलेगा, बदलेगा निश्चित दुन युग बदलेगा है? हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। आएगा नया युग, कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा, संस्कृति की रक्षा के लिए कोई भी प्रकार का काम हम अपने हाथ में लेकर चलेंगे, लेकिन हमारी संस्कृति की रक्षा हो, ये हमारा ध्येय होगा। आज वही संस्कारों को हम पुनर्जीवित करने के लिए तो इतना काम कर रहे, इतना कार्यरत रह रहे हैं, सब कुछ छोड़ के भी दौड़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं, है ना? तो कहा गया कि कर्दम ने कहा भगवान को कि आपको मेरे घर पुत्र के रूप में आना होगा। भगवान ने कर्दम की बात मान ली, देवहूति और कर्दम ऋषि का संयोग हुआ। मनु महाराज को भगवान ने संकेत किया नारद जी के माध्यम से। मनु महाराज, देवहूति और माता सत्रुपा जी कर्दम ऋषि के आश्रम में आते हैं। तीनों को आते हुए देखकर कर्दम ने अपने आश्रम में तीन आसन बिछाए ताकि वो तीन लोग हैं वो तीन लोग बैठ सके।
अब एक आसन पे मनु महाराज बैठते हैं, एक आसन पे सतरूपा, तीसरा आसन देवभूति ने सोचा कि आसन मेरे लिए बिछाया है, लेकिन जो मेरा भावी पति बनने वाला है तो उसकी सेवा मैं करने वाली हूँ, स्वीकारने वाली नहीं हूँ। इसलिए भारत की आर्य नारी सोचती है कि हो सके उतनी हमें सेवा करनी चाहिए, सेवा लेनी नहीं चाहिए। तो मैं कैसो कि आप ऊँधू बोल सोचना, लेकिन जो शास्त्र में है वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा भाई, जो है वो बताती हूँ। देवहूति ने क्या किया, तीसरे आसन पर अपना हाथ रखा और वो नीचे बैठी, क्योंकि अपने जो भावी पति है उसका मान भी रहे और उसका तिरस्कार भी ना हुआ, वो अच्छी तरह से हो जाए, ये बात समझ ले, इसलिए वो नीचे बैठी है और उसने हाथ रखा। कर्दम ने सोच लिया कि इतना ऊंचा विवेक तो मेरे साथ चलेगी, हैं तो मेरे साथ चलेगी, वरना तो आज तो ऐसा है कि भाई जो शादी करके आते हैं दो तीन दिन हुए और अगर हमने वो हनीमून की टिकट नहीं मंगवाई है या फिर कोई सिनेमा की टिकट नहीं मंगवाई है तो तब तो इतना मुड़ा मुँह फूल जाएगा, अरे ये क्या है, मैं घर में कोई काम करने वाली थोड़ी हूँ, कहाँ अभी ले भी नहीं जाते हो, ये क्या हुआ, ऐसा मुझे नहीं घुमाने वाले हैं तो मैं अपने मायके चली, तुरंत फौरन सब कुछ हो जाता है, फास्ट सब हो जाता है। लेकिन ये तो भारत की आर्य नारी थी, कर्दम ने पसंद कर लिया। फिर कर्दम ने कहा कि देखो मेरे मन में जो बात है मैं आपको अपने ओर से बता देता हूँ, क्या बात है, बेटी का पाप है तो पूछेगा ना। तो कर्दम ने कहा कि शादी तो करूंगा, भगवान का आदेश है इसलिए, लेकिन शादी के बाद मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। अब आपको क्या है विचार कर लो, अबे आपड़ी दीकरी ने कोई जोई नेम के कि हूँ बाबो बनवानो छू है तो शू कही है भाई, लगन हूँ काम करे पहला बनी जा तो कुछ अत्यार थी चालवाज मांड तू बीजा ने खोटा अंदर धक्का ना खवड़ावीश, एवं कही है ने। एले कर्दमे चोखी बात करी दीधी कि भाई हूँ संन्यास लेवानो छू। तब मनु महाराज ने कुछ नहीं कहा, देव सतरूपा जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मनु महाराज ने कहा कि इस बात के लिए तो मैं नहीं जवाब दूंगा, उस बात के लिए तो मैं देवहूति को पूछूंगा, देवहूति इसमें आपकी क्या राय है, बता बेटा इसमें तेरी क्या राय है। तब देवहूति ने कहा पिताजी मुझे कोई ऐतराज नहीं है और अगर वो संन्यास ग्रहण करेंगे तो कर ले, लेकिन मेरे जीने के लिए भी कोई आधार तो चाहिए, इसलिए मुझे एक पुत्र का दान देना, बस एक पुत्र का दान देना। कर्दम ने मान लिया, ओ इतनी ऊंची विवेकशीलता, हमारे घर में पहले जब बेटा बेटियों को देखने की परंपरा थी लेकिन ऐसा नहीं था कि आज की तरह घंटों घंटों तक इंटरव्यू ले और फिर भी शादी होने के बाद 6 महीने में है ना, 4-4 कलाक 5-5 कलाक ना इंटरव्यू ले और पाछा 6 महीना में तो ये काम ने ये काम मने नहीं फावे, ले हमारे भारत की संस्कृति में इंटरव्यू लिए जाते थे लेकिन ऐसे लिए जाते थे, हमणा हमणा तो पाछी छोकरी एटली फॉरवर्ड थई गई छे के वात ना पूछो, दीकरा ने एम पूछे के तमारा घर में ब्लेक एंड व्हाइट टीवी केटला ने कलर टीवी केटला, પેલો છોકરો વિચાર કરે કે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ કેટલા ને કલર કેટલા, તો ટીવી તો કેટલા રાખવાના હોય, આ તો હવે બધા 2 રૂમમાં 4 રૂમમાં રાખે, બાકી ઘરમાં 1 ટીવી હોય અને એક જ હોવું જોઈએ ને ભાઈ, કઈ અલગ અલગ રૂમમાં અલગ અલગ ટીવી ના, બધું તો આ એ બધા ટીવી જુદા જુદા રાખવાના બધું કરવા જ આપણે આખી જાતને તોડી નાખીએ છીએ, એટલે તોડીએ છીએ ને આપણે ઘરમાં બધું સરસ સરસ લાવવા માટે જ ને, કે મારા ઘરમાં બધું કોઈ જોવે ને આમ કે હા તમે તો આવું રાખો, એનું જ છે ને બધું। તો પેલો દીકરો વિચાર કરે કે આવું શું કામ પૂછે, તો કે ભાઈ મને કઈ સમજણ ન પડી, તો કે એટલે તને આટલી સમજણ નથી પડતી, બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ ટીવી એટલે પેલા હાઈટ પછીના કેટલા છે ને કલર ટીવી એટલે એનાથી, વિચાર કરો કે આપણા વડીલોની જ્યાં પૂજા થતી હોય ને એ વડીલો માટે આજે ઘરડા ઘરો બની રહ્યા છે, કારણ શું છે કે આજ સંસ્કૃતિ કી રક્ષા નહીં હો રહી હૈ, આજ માનવ સભ્યતા કી ઓર ભાગ રહા હૈ,
वो सभ्य दिखने के लिए प्रयत्न करेगा, मैं कितना सभ्य हूँ, वो अच्छा बोलेगा, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी तरह से वो तैयार होगा, लेकिन संस्कार के नाम पर वो शून्य बनता जा रहा है। सभ्यता बाहर की है और संस्कार भीतर का है। सभ्यता बाहर से दिखाई देगी और सभ्यता को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत है, लेकिन संस्कार को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं है। वो तो अंधकार में भी संस्कार दिखाई देते हैं, वह है हमारी भारतीय संस्कृति का संस्कार। इसलिए हम संस्कारों को बहुत जागरूक करने का प्रयत्न करें, क्योंकि एक संस्कार के बीज को अपने बच्चों के अंदर बोकर उनको वटवृक्ष बनाने में हमें पीढ़ियां निकल जाती हैं, फिर भी संस्कार इतने जागरूक नहीं होते हैं। ध्यान रखना, संस्कार वैसे जागरूक नहीं होते हैं। संस्कारों के लिए तो हर पल हर क्षण व्यक्ति को जागरूक रहना पड़ता है। इसलिए संस्कारों की परंपरा हमारे गुरुदेव ने हर घर में फैलाने की बात बताई है। जब संस्कार टकेंगे तभी संस्कृति बचेगी। कहा गया कि देवहूति को कर्दम ने पसंद कर लिया, विवाह हो गया है, अब देवहूति को विदा कर रहे हैं। जब विदाई बेटी होती है ना, आप सबको मालूम है कई कई जगह पर अलग अलग से विधि विधान होते हैं, लेकिन फिर भी एक विधान तो ऐसा है ही, जब बेटी शादी ब्याह हो जाता है, मंगल फेरा हो जाता है, फिर बेटी को गौर महाराज अपने घर में लाते हैं और जहाँ पर गणपति की स्थापना की है वहाँ पर अपने दोनों हाथों को कंकु से रोली से लाल करके वहाँ पर दो ठापा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? सरकार का नियम है कि बाप की जितनी मिलकत है उतनी मिलकत में बेटों का ही हिस्सा है, ऐसा नहीं है, बेटी का भी हिस्सा है। इसलिए कहा गया है कि जब बेटों के नाम पर बाप की मिलकत होती है तब बेटियों की भी साइन करवानी पड़ती है, बेटियों को भी साइन करनी पड़ती है कि मैं दे रही हूँ, है मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। तब वो बेटी अपने बाप का घर छोड़ते छोड़ते कहती है, खम्मा मारा वीरा, मारा बाप ने बधी मिलकत मां मारो पण अधिकार छे, पण आजे तारी बेन आ बाप नु घर छोड़ीने जई रही छे ने, त्यारे हूँ मारी एक पेन थी नहीं, एक अंगूठा थी नहीं, परंतु मारा दस दस आंगड़ा थी साइन करीने जाऊं छु, मारा दस दस आंगड़ा थी साइन करीने जाऊं छु, मारे आमाथी कशु जोईतू नथी, परंतु मारी साची मिलकत, मारा हृदय में लागेली मारी मिलकत होय तो ये मारा मां बाप छे। हे मारा भाई, हूँ तने मारा हृदय नी मिलकत आपीने जाऊं छु, मारा मां बाप नी मिलकत भले तू वापरे, परंतु मारा मां बाप ने दुख थाय ने એવું તો કોઈ કામ ન કરતો, એમ કહી અને દીકરી ઘર છોડી અને વિદાય થતી હોય છે। આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ કે જો ભી વિધિ વિધાન હૈ ઉસમેં ઇતના મર્મ છુપા હૈ, લેકિન ઇસ મર્મ કો જાનને કે લિયે કહાં કિસી કો સમય હી કહાં હૈ। પંડિત જી કો 500 કી નોટ દિખા દેતે હૈ, પંડિત જી એક ઘંટે વાલા શાદી કા જો વિવાહ કા જો ભી વિધિ વિધાન હૈ વો આધે ઘંટે મેં પૂરા કરો, आधे घंटे में पूरा करो, ऐसा कहकर शादी ब्याह भी ऐसे ही हो जाता है। तो हम समझे सोचे, जब देवहूति विदा हुई थी मनु महाराज की आंखें डब डब डबाई। कहा गया देवहूति कर्दम के साथ रह रही हैं, कितने साल बीत गए, देवहूति तो अपने काम में लगी, कर्दम तो साधना में जुड़ गए। एक बार जब पड़ोस के गांव से कोई आया और कहने लगा कि आप ऋषि दंपत्ति हैं इसलिए हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने आना, हमारे घर शादी ब्याह है। जिनके घर शादी ब्याह होती है वो ऋषि दंपत्ति को आशीर्वाद देने के लिए बुलाते हैं। कर्दम ने देखा कि अरे मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी भी है। तब उसको याद आया, देवहूति को देखा तो देवहूति तो ऐसी हो गई थी, बिल्कुल शुष्क काय शरीर हो गया था, सब आश्रम की व्यवस्था में जुटी थी। तब कर्दम को बहुत दुख हुआ, रे देवहूति मैंने तुझे लाकर कुछ सुख नहीं दिया, मुझे क्षमा करना।